हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माइक्राफ्ट। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी देख सकते हो, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक वीडियो लेके। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है एंड दूसरी बात, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज देख पाओगे फिर। ओके, वीडियो खेवे में अच्छा लगे तो लाइक कर देना इसको एक। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इस वाले चैनल पे मैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करता रहता हूँ, जैसे मैप्स हो गए, मोड हो गए, एडोन्स हो गए, वगैरह वगैरह चीज़ें होगी सारी। ओके, तो मेरे को बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि मैं क्या बोलने वाला था। चलो छोड़ो इसको। आज मैं बात करने वाला हूँ एक मैप के बारे में। कमाल का मैप है एंड आई होप आप सभी को जरूर से पसंद आएगा ये वाला मैप। वैसे मैं मैप्स के रिव्यू करता हूँ, मैं कोई सजेशन नहीं देता, आप सभी को ओनली रिव्यू करता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आज का मैप है कि स्काई ब्लॉक मैप है, स्काई ब्लॉक या फिर स्काई आइलैंड आप इसको बोल सकते हो, जैसे उसका नाम स्काई आइलैंड है। तो इस स्काई आइलैंड में क्या क्या मिलने वाला है एंड इसमें क्या क्या अजीब सारी चीज़ें, वो सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन मैप में लेके जाऊँ उससे पहले आप मेरा वर्जन चेकआउट कर लो जल्दी से। ये वाला वर्जन आप सभी को रखना है, इससे अब नीचे भी वह कहेगा 1.17 तो होना चाहिए। तो ऐसे प्ले बटन पे क्लिक करना है एंड ये देख सकते हो आप, ये स्काई आइलैंड, तो इस पर आप सभी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड जनरेट हो रहा है। तो ये स्काई आइलैंड है, माना जाए तो ये स्काई ब्लॉक सीरीज का एक मैप है। अगर आपको स्काई ब्लॉक मैप पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया एंड इसका गेम मोड क्रिएटिव है। ओ भाई, डेवलपर को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एंड क्या मतलब, इसका मोड गेम मोड इसका क्रिएटिव है, तो भाई इसको सर्वाइवल करना चाहिए था, मेरे को खुद करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी क्रिएटर ने, मुझे लगता है सुधार जाएगी ये वाली। तो देख सकते हो ये वाला है, आप यहाँ पर स्पॉन होते हो, ये वाला एक आइलैंड है एंड एक उधर है, एक इधर है, चारों तरफ चार आइलैंड आपसे मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे कितना बड़ा ट्री है और इस ट्री के ऊपर जाने की भी जगह है। तो सबसे पहले तो इस ट्री के ऊपर ही जाके हम देख लेते फटाफट। अरे बाप रे, देख सकते हो यहाँ से कितना मुश्किल रास्ता है यहाँ पे जाने का। ओई वाह, देख सकते हो ट्री के ऊपर भी साइड से ट्री हाउस टाइप कुछ बनाया गया है। ओ भाई भाई, ये देखो यहाँ पे मैं आ गया एंड यहाँ पर आप सभी कुछ कर सकते हो। आई डोंट नो क्या कर सकते हो, लेकिन आप कुछ तो कर ही पाओगे यहाँ पर। अगर मैं कोशिश करूँ तो पानी के अंदर कूद सकता होगा, नहीं कूद सकता, मैं मर जाऊँगा। तो देख सकते हो ये ट्री है, आप इस ट्री के ऊपर भी आ पाओगे एंड चारों तरफ चार आइलैंड आप सभी को मिलने वाले हैं। ओके, नीचे कूदने की ट्राई करता हूँ। चलो उधर से पानी में कूदने की ट्राई करता हूँ, मैं बच गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा स्पॉन तो वैसे मैं यहीं पर भी होने वाला हूँ ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कूदते हैं यहाँ से पानी में। ये भाई 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 भाई, आप आठ बज गया। मैं तो ये वाला आइलैंड इसके पास यहाँ पे पानी भरा है, बीच में क्या है, बीच में थोड़े से पत्थर लगाए गए हैं। अब आप सभी देख सकते हो स्काई ब्लॉक का मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक एंड इसके अबाउट सेक्शन में भी काफ़ी कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया था, तो मेरे को समझने में दिक्कत हुई थी, आपको भी होगी। तो ये आइलैंड है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, देख सकते हो आप एंड रास्ता थोड़ा मुश्किल है जाने का, आप सभी को बच के जाना चाहिए। देख सकते हो बाप रे, ये क्या रास्ता है, देख सकते हो आप नीचे भी गिर सकते हो अगर आप ठीक से नहीं चलते हो। मैं खुद गिर जाता अभी। एक आइलैंड इधर है, देख सकते हो अभी इसके अंदर हम चलते हैं। ये देख सकते हो क्या रास्ता बना है यार, मतलब थोड़ा सा इधर उधर वार की बंदा नीचे। वाह, इसके अंदर जाने की जगह है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी माइनिंग टाइप है। ओ भाई भाई, ओहो ओ भाई साहब, देख सकते यहाँ पे माइन शॉफ्ट भी दी गई है आप सभी को। ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक मैप नहीं है, ये थोड़ा हटके है एंड अजीब भी है बहुत। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जो ये है। बीच में बड़ा वाला आइलैंड एंड साइडों में छोटा छोटा आइलैंड चार। तो चलते हैं, बच के मेरे को जाना चाहिए, नहीं तो मैं नीचे गिर गया तो भैया मेरा काम तमाम। तो मैं यहाँ पर आ गया, इसमें कुछ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, जैसे ट्रेड करने का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है, मेरे को लगता नहीं है। ये क्या है भाई, मतलब ये क्या है, ये इसका क्या मतलब है। देख सकते हो आप, आई डोंट नो ये क्या है। मैं लास्ट नहीं, ये तीन ही आइलैंड है यार, मैं चार बोल रहा हूँ।
ओनली 3 आइलैंड है इसमें, मतलब 4 है टोटल, 4 है लेकिन इसके चारों तरफ 3 ही है। तो मैंने तीनों को विजिट किया एंड मेरे को कुछ खास नहीं दिखा उनमें। तो ये मैप है, अब इस मैप का मतलब आप सभी अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लो यार क्या काम आता होगा ये मैप। मैं ओनली रिव्यूज़ करता हूँ एंड आप सभी को मैप को शोकेस करके दिखा देता हूँ, मतलब ये दिखता कैसा है मैप। ओके, तो इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, इजीली डाउनलोड कर पाओगे। और अब बात करते हैं इसको पॉइंट देने की, तो मैं इसको ओनली 5 पॉइंट देने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स है इस वाले मैप में यार। आप कितने पॉइंट देना चाहते हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो यार आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मैप कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। ओके, तो मैं मिलूंगा आप सभी को ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is